एक फोटोग्राफर स्टूडेंट का अपने स्कूल के लड़के के साथ प्यार होता है, पर उसे पता नहीं था कि वो लड़के एक बड़े आदमी के साथ इन्वॉल्व है। जब उस आदमी ने उसे धोखा दिया तो मर्डर, मिस्ट्री, ट्विस्ट, इस सब का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेरी क्रश 2007 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके एंडिंग भी एक ट्विस्ट के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जॉर्डन, जो एक फोटोग्राफर था, उस पर इंक्वायरी बैठी हुई थी। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसने बहुत सारी लड़कियों की न्यूड फोटोज निकालकर उसे इंटरनेट पर लीक किया था। किसी भी फोटो में किसी भी लड़की की फेस नहीं है। वो कहता है कि मैंने किसी भी लड़की को फोर्स नहीं किया था, मेरी फोटो और मेरी स्किल्स देखकर वो खुद मुझसे फोटो निकलवाने के लिए आया करती थी। डायरेक्टर उसे पूछते हैं कि इन सारी लड़कियों के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थी। जॉर्डन कहता है कि किसी भी लड़की के साथ मेरे कोई भी संबंध नहीं थे, मेरे कुछ रूल्स थे ताकि मैं फंसू ना। उसने किसी भी लड़की का फेस लीक नहीं किया, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई भी सीरियस चार्जेस नहीं लग सकते। हर एक लड़की के प्रोफाइल का नेम उसने उस लड़की की लिपस्टिक के नाम से दिया था। वो उसे उन लड़कियों के नाम पूछ रहे थे, पर इसके बारे में जॉर्डन उन्हें बताने नहीं वाला था। वो कहता है कि वो सारी लीगल एज की थी। जॉर्डन के फादर बहुत अमीर थे। उसे कहते हैं कोई भी लड़की इसके खिलाफ चार्जेस प्रेस नहीं कर रही, अब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर ये बात बाहर निकलती है तो स्कूल की भी बहुत सारी बदनामी होगी, हमें ये सब नहीं चाहिए। वो प्रिंसिपल को पर्सनली जानते थे, इसी वजह से जॉर्डन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उसे सिर्फ स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब वो एक नए स्कूल में आ गया था। जॉर्डन ने हमसे कहा कि अगर मेरे बारे में कोई रिपोर्ट क्रिएट करे तो कहेगा कि मैं बहुत ही रिच हूँ, मैं फ्यूचर में लॉयर या डॉक्टर बनूंगा, मेरे लाइफ में सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड किया गया है। उसे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, तो स्कूल के क्लब में भी उसने ज्वाइन कर लिया। उसने अब डिसाइड किया था कि कोई भी इलीगल चीज वो नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। उसके फादर ने उसे बुलाया, वो उसे कहते हैं कि मेरे क्लब के साथ मिलकर तुम्हें एक चैरिटेबल इवेंट स्टार्ट करना है, ये तुम्हारे कॉलेज एडमिशन फॉर्म में बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी जगह पर तुम्हें एडमिशन मिलेगा। जॉर्डन को ये नहीं करना था, पर फिर भी उसके फादर उसे फोर्स करते हैं। जॉर्डन के एक फ्रेंड है जिसका नाम है डेजरी, उसने ऑलरेडी इस तरीके का इवेंट मैनेज किया है, तो उसकी हेल्प लेने के लिए उसे कहते हैं। डेजरी आजकल डीए के ऑफिस में काम कर रही थी क्योंकि उसके फादर ही डीए थे। वो जॉर्डन के काम के बारे में जरा सोचने वाली थी। वो समझ गई थी कि जॉर्डन सिर्फ अपने फादर के लिए काम कर रहा है, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर डेजरी उसे बहुत ही लाइक करती थी तो हेल्प करने के लिए मान गई। स्कूल का गेम जॉर्डन शूट कर रहा था, अचानक से उसे कोई टकरा जाता है, उसे चोट आके जरा दूर जाकर वो अपने कैमरे को देखने लग गया। वहीं पर अंधेरे में खड़ी उसे शे दिखती है। उसे देखते हुए वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। वो कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे देखे बिना आगे जा सके, जब से मैंने उसे देखा तब से मुझे उसे शूट करना था। जॉर्डन को जिस तरीके की लड़कियां पसंद थी उसकी सारी क्वालिटी शे में थी। उसमें लोनलीनेस था, एक मिस्ट्री थी। उसे लगता था कि हर कोई अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, पर शे ऐसा नहीं करती। वो लाइब्रेरी में डायरेक्टली जाकर उसे अप्रोच करता है। उसने कहा कि मुझे कुछ अच्छी बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करो। वो उसे एक बुक रिकमेंड करती है जिसकी मेन कैरेक्टर ने सुसाइड कर ली होती है। जॉर्डन पूछता है कि इसमें इतना अच्छा क्या है। शे कहती है कि हमारी मेन कैरेक्टर इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहती थी, उनके रूल को फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। ये एक रिवेलियस एक्ट था और इसी वजह से बुक बहुत ही अच्छी लगती है। जॉर्डन ने कहा कि वो अपनी खुद की डेथ फेक कर सकती थी और कहीं दूर जाकर रह सकती थी। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और जॉर्डन ने पूछा कि स्कूल के बाद क्या कर रही हो। शे को उसके घर पर वो छोड़ देता है। वो जाने लग गई तो जॉर्डन ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। शे कहती कि मुझे काम पर जाना है। ये वही क्लब था जिसके मेंबर जॉर्डन के फादर थे। जॉर्डन अपने फादर के लिए काम करता है, वहां पर डेजरी उसे हेल्प कर रही थी। वो डेजरी को देखकर कहता है कि इस वर्ल्ड में वो अच्छी तरीके से फिट होती है, उस तरीके से जॉर्डन नहीं हो पाता। हर एक चीज के लिए उसे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आते। उन दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था, पर उनकी रिलेशनशिप में कोई भी मिस्ट्री नहीं थी। नेक्स्ट डे शे के घर पर उसे लेने के लिए जाता है, किसी और ही लेडी ने डोर को खोला। उसे पता चला कि शे वहां पर रहती नहीं, वो जब स्कूल में जरा काम कर रहा था तो शे ने अपनी लिपस्टिक उसके पास फेंकी। जॉर्डन उसे पूछता है कि तुमने मुझे फेक एड्रेस क्यों दिया था। शे कहती कि मैं उतनी अमीर नहीं हूँ। जॉर्डन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डेजरी कहती कि तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे सब कुछ पता है। जॉर्डन ने कहा कि उन सब लड़कियों के साथ सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा था, मेरा एक्चुअल असाइनमेंट तुम हो। उसी की फोटोज लेना चाहता था। शे ने कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। उसे अपने घर पर लेकर जाती है। उसने उसे बताया कि कुछ सालों पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी, आजकल वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही थी, पर सिस्टर घर से बाहर ही ज्यादा रहती है। शे ने कहा कि मैं एक सिचुएशन में हूँ, एक ओल्डर आदमी के साथ मेरा अफेयर चल रहा है, मैं उसे एक हाई स्कूल के डांस में मिली थी,
वो चाहते थे कि जब उस आदमी के साथ हो तो जॉर्डन उसकी फोटोज निकाले। इसके बदले में वो जॉर्डन के साथ फोटोशूट करने के लिए रेडी थी। जॉर्डन कहता है कि मैं कोई भी ट्रबल में नहीं आना चाहता, तो शे कहती कि तुम यहाँ से जा सकते हो, पर जॉर्डन इस बात के लिए मान जाता है। उन्हें इस तरीके से फॉलो करना और जब वो करीब थे तो उनकी पिक्चर्स लेना, ये सारी चीजें जॉर्डन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। शे जॉर्डन से कहती है कि हाई स्कूल के डांस के बाद हम दोनों फिर से क्लब में मिले थे। उसने उसे प्रॉमिस किया था एक बहुत ही अच्छे से म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसे हेल्प करेगा। ये म्यूजिक स्कूल शे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे उसके पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। जॉर्डन को लग रहा था कि वो आदमी सिर्फ शे का फायदा उठा रहा है, पर शे गए थे कि हम दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में लाइक करते हैं। फोटोज मिलने के बाद जॉर्डन का फोटोशूट करने के लिए शे मान गई। जॉर्डन कहता है कि उसकी फोटोज ने मुझे ही कैप्चर कर लिया था, उसके आगे उसे चैलेंज करती थी। ये सब फोटो देखने के बाद शे को बहुत ही अच्छा लगता है और एक फोटोशूट करने के लिए उसे बुला लेती है। वो दोनों करीब आ गए और इंटीमेट होने लग गए। तभी शे की सिस्टर वहां पर आके उसे कहती कि तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही थी। किसी चीज पर वो दोनों झगड़ने लग जाती है। जॉर्डन ने अपने इवेंट की एंकरिंग की, उसका इवेंट बहुत ही अच्छा गया था। यहाँ पर वो देखता है कि शे का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है उसके फादर के साथ बात कर रहा था। उस आदमी का नाम है वेड और एक बैंक्रप्सी का लॉयर है। वेड ने उसे कहा कि तुम्हारी स्पीच बहुत ही अच्छी थी। शे भी आज यहाँ पर काम कर रही थी तो जॉर्डन उसे पकड़ लेता है। शे और जॉर्डन बहुत सारी अलग अलग जगह पर फोटोशूट करते हुए घूम लेते हैं। शे ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो किसी को भी पता ना हो। जॉर्डन कहता है कि मुझे तुमसे बहुत डर लगता है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। जॉर्डन के फादर का कुछ काम था तो कुछ दिनों के लिए उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। रात में जॉर्डन शे से मिलने के लिए आया, पर वहां पर वेड भी था। वेड ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हारे फादर तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी लाइफ में दो चीजों पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एक तो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो और दूसरा तुम्हारे पैसे। वेड बहुत ही पावरफुल था और कोई भी उसके साथ धोखा करे उसे अच्छा नहीं लगता था। जॉर्डन को शे के साथ एक फीलिंग आती थी उसके पास बहुत ही कम टाइम में। एक दिन शे बहुत ही डिस्टर्ब होकर जॉर्डन को कॉल करती है। उसने कहा कि वेड जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन दिलवाने वाला था वहां पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, उसे कभी भी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला था। शे इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि तुमने हम दोनों की जो भी फोटोज निकाले वो मैं पुलिस को दे दूंगी और वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। जॉर्डन कहता है कि अच्छा आइडिया नहीं है, मैं इस तरीके से इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। शे कहती कि कुछ भी हो जाए मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। वो वहां पर डोनेशन देकर भी एडमिशन ले सकती थी। उसे पता था कि वेड के पास बहुत सारे पैसे हैं। उसने एक स्कैम किया था, उससे उसे बहुत पैसे मिले थे। वेड ने सारे पैसे तिजोरी में रखे थे जिसके बारे में शे को पता था। जॉर्डन इसके लिए उसे मना कर रहा था। शे कहती कि तुम अमीर हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। एक अच्छी लाइफ के लिए मेरे पास ये सिर्फ एक ही रास्ता है। वो वेड को ब्लैकमेल करने का डिसाइड करती है। वो रात में उसे मिलने वाली थी तो जॉर्डन भी दूर से उस पर नजर रखता है। उसने कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ हो और अगर वेड तुम्हें मारने लग जाए तो कार से बाहर आ जाना, मैं तुम्हें आकर बचा लूंगा। वो दूर से उनकी फोटोज निकालने लग गया और दोनों झगड़ने लग गए थे। शे जैसे गाड़ी से बाहर निकलती है तो वेड उसे मारने लग जाता है। जल्दी से भागते हुए जॉर्डन वहां पर पहुंच गया। वेड ने कहा कि क्या तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और जॉर्डन को बहुत ही ज्यादा मारने लग जाता है। शे ने एक वुडन का डंडा निकाला और इससे वो वेड को बहुत मारती है। वहीं पर इंस्टेंटली उसकी डेथ हो गई थी। ये दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे। उसी लोकेशन के पास एक झरना था, वहां से होकर उसकी बॉडी को गाड़ देते हैं। उसकी गाड़ी को ड्राइव कर एक सिटी के पार्किंग में वो लगा देते हैं। जॉर्डन ने कहा कि अब कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे सकते, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। शे पूछती कि क्या तुम्हारे पास वेड की कीज है। वो कहती कि वेड के लॉकर की चाबी इसमें ही है, उस लॉकर में मिलियन से भी ज्यादा पैसे है। जॉर्डन कहता है कि इस मूवमेंट पर मर्डर के चार्ज से बचना ये सिर्फ हमारा एक ही गोल होना चाहिए। शे चाबी लेकर फेंक देती है। कुछ दिनों बाद जॉर्डन के पेरेंट्स घर पर वापस आ गए। जॉर्डन और शे ने एक दूसरे से डिस्टेंस बना लिया था। उस रात जो भी हुआ इसके बारे में जॉर्डन बहुत सोचता है। उसे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था, अगर वो किसी और लोकेशन बॉडी को हाइड करता तो और भी सेफ होते। कुछ दिनों बाद लोगों को वेड की बॉडी मिल ही जाती है। जॉर्डन शे से मिलने के लिए उसकी म्यूजिक प्रैक्टिस में गया, पर उसकी टीचर कहती है कि वो कुछ दिनों से यहाँ पर आई ही नहीं। वो शे के घर पर गया तो उसकी सिस्टर वहां पर थी। सिस्टर कहती थी कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। उसे कॉल करने का बहुत ट्राई करता है, उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जॉर्डन की इवेंट की एक मीटिंग हुई और यहाँ पर डेजरी सब कुछ बात कर रही थी। ये बात उसके फादर को अच्छी नहीं लगती, उसे वो बहुत डांटते हैं। एक दिन स्कूल में जॉर्डन से मिलने के लिए डायरेक्टिव आया। वो कहता है कि तुम शे के फ्रेंड हो। जॉर्डन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने जानते नहीं है। डायरेक्टिव ने पूछा कि क्या तुम उसके मदर के बारे में जानते हो। जॉर्डन कहता है कि उसकी तो डेथ हो गई है। डायरेक्टिव कहता है कि ऐसा नहीं है, अपने हस्बैंड को मारने के क्राइम में वो जेल में है। डायरेक्टिव कहते कि क्या तुम्हें पता है कि वो वेड के साथ अफेयर कर रही थी और जिस क्लब में काम करती थी उसकी सिक्योरिटी फुटेज से हमें सब कुछ पता चल गया है।
उसे कहता है कि अगर तुम शे से मिले तो उसे मुझे कांटेक्ट करने के लिए कहना। जॉर्डन इस केस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था तो डेजरी से मिलने के लिए कॉल करता है। उसे सब कुछ हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। उसने पूछा कि सब कुछ काम कैसा चल रहा है। स्लोली स्लोली वो केस के बारे में पूछने लग गया। डेजरी कहती है कि पुलिस को इस क्राइम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बॉडी के पास उन्हें फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिला। डेजरी पूछती कि अचानक से तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट क्यों है। जॉर्डन उसे झूठ कहता है कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। डेजरी उसका ये झूठ पकड़ लेती है। उसे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं रहा था। रात में शे जॉर्डन से मिलने के लिए आए। जॉर्डन कहता है कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए था। शे कहती कि मैं जरा कंफ्यूज हो गई थी। एक अबंडेंस हाउस में जाकर वो रह रही थी। जॉर्डन कहता है कि तुमने अपनी मदर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। शे कहती कि मैं बहुत एम्बेरस्ड थी और वैसे भी वो मेरे लिए डेड है। जॉर्डन उसे कहता है कि पुलिस को तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। शे ने पुलिस से बात की और सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया था। उस पर कोई भी अब शक नहीं कर रहा। जॉर्डन अपने इवेंट में पैसे रेज करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। इवेंट के बाद डेजरी जॉर्डन से मिलने के लिए आई। उसे कहते कि पुलिस को वेड की गाड़ी मिल गई है। वहाँ उन्हें उसके पास फुटप्रिंट मिले जो तुम्हारे फुटप्रिंट से मैच करते हैं। उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट भी मिल चुके हैं। पुलिस को उस रात उस लोकेशन के बारे में टिप मिली थी जहाँ पर ऑडी खड़ी थी। ये जॉर्डन की कार है। उस रात जॉर्डन जब डेजरी के पास आया तो उसे पूरी तरीके से मर्ड लगा हुआ था। जॉर्डन कहता है कि उसकी मर्डर में मैं इन्वॉल्व था। डेजरी ने कहा कि अभी तुम्हें मेरे फादर से बात करनी चाहिए। जॉर्डन उसे जो भी हुआ इस सब के बारे में बता देता है। सारी चीजें सिर्फ डेजरी को पता थी पर वो बताने नहीं वाली। शे और जॉर्डन फ्री थे तो इसे वो सेलिब्रेट करते हैं। जॉर्डन जब अगले दिन घर पर आता है तो उसके घर के किसी ने तलाशी ली थी। उसे डिटेक्टिव का कॉल आया जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जॉर्डन के रूम में शे और वेड की फोटोज उसे मिल गई थी। वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है। तुम्हारे फुटप्रिंट मैच करेंगे, तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी मैच कर जाएंगे। इन डिजिटल फाइल में मेटा डाटा होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर से हम मैच कर सकते हैं। जॉर्डन ने उसे जो भी हुआ इस सब के बारे में बता दिया। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे पैसों के बारे में पता है, ये थोड़े बार वैसे नहीं तो 1 मिलियन के आसपास है। वो जॉर्डन को कहता है कि 1 मिलियन डॉलर्स मुझे दे दो, इस सब के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जॉर्डन शे के घर पर आया और घर की तलाशी लेता है। उसे कहता है कि तुमने पैसे निकाल लिए थे। शे कहती कि डायरेक्टर सिर्फ हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन कहता है कि मुझे उन पैसों की जरूरत है। शे कहती कि पैसे लेने के बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, वो तुम्हें मार देगा, इससे अच्छा हमें भाग जाना चाहिए। जॉर्डन ने सारी चीजें मानने के लिए प्रिटेंड किया। वो अपनी लाइफ फिर से वापस पाना चाहता था और इसके लिए सारे पैसे वो डायरेक्टर को देने वाला है। वो एक अबैंडन जगह पर चले गए और वहां से उन्होंने पैसे निकाल लिए। वो शे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता। शे ने उस पर गन लगाए। जॉर्डन कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो पर मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। शे उसे रोक नहीं पाए। वो डायरेक्टर के पास जाकर उसे पैसे दे देता है। डायरेक्टर उस पर गन लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। तुम तो हर जगह से फंस चुके हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें फंसाया हुआ था। वेड उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं देने वाला था। उसका अभी म्यूजिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे यूज कर रही थी ताकि वो वेड को ब्लैकमेल कर सके। अचानक से पीछे से शे आ गई। वो जॉर्डन को जाने देने के लिए कहती है। डायरेक्टर मान नहीं रहा था तो उसे वो शूट कर देती है। जॉर्डन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता। शे कहती कि अब 2 मर्डर हो चुके हैं, तुम अपनी पास्ट लाइफ में वापस नहीं जा सकते। जॉर्डन नहीं मानता तो सारे पैसे लेकर शे चली गई। वो अपने घर आकर सो जाता है। अगली सुबह डेजरी वहां पर पहुंच गई। वो उसे कहती कि क्या तुम डायरेक्टर की डेथ में इन्वॉल्व थे। जॉर्डन इसके लिए हाँ कह देता है। उसने कहा कि लास्ट कॉल डायरेक्टर को तुमने ही किया था, इस वजह से पुलिस यहाँ पर आ रहे है। नीचे पुलिस आ गए उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। मर्डर के टाइम पर वो कहाँ पर था, किसके साथ था, कल रात वो कहाँ पर था, ये सब कुछ उससे पूछने लग गए। दूसरे रूम से डेजरी बाहर निकली और वो प्रिटेंड करती है कि कल रात वो जॉर्डन के साथ थी। पुलिस का थोड़े टाइम के लिए उससे शक चला गया। सबके जाने के बाद डेजरी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तुम्हारे पास अब बहुत ही कम टाइम है, जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कभी ना कभी जॉर्डन को मर्डर से लिंक करने ही वाले थे। जॉर्डन ने रियलाइज किया कि उसकी पास्ट लाइफ अब बर्बाद हो चुकी है, अब कहीं पर और जाकर उसे रहना पड़ेगा। वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था तो इसी वजह से डायरेक्टर को पैसे देने से पहले उसने ऑलरेडी पैसों को बैग बदल दिया था। जो बैग शे लेकर चली गई उसमें ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे। सारे पैसे लेकर कहीं दूर वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। शे से उसने बहुत प्यार किया था पर उसने उसे धोखा दे दिया, इसी वजह से उसे डबल क्रॉस करता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।